हेलो व्यवर्स दिस इज़ अ तवरहमान आयल्स ट्रेना आर यू कन्फ्यूज अबाउट वॉट शुड वी डू इधर वी शुड गो फॉर पी टी ई और आयल्स समझ में नहीं आ रहा होता हम कन्फ्यूज़ हैं कौन सा आसान है कौन सा हमें करना चाहिए पी टी ई पर जाएँ या आयल्स पर जाएँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो दिस इज़ वेरी सिंपल बेटर टेकआउट योर पेपर और पेंसिल उन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो अब आपने एक कॉलम बनाना है जिसमें पी टी ई लिखना है दूसरे कॉलम में अपने आयल्स लिखना है जो मोटी मोटी बातें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा पहले लिखें इफ यू आर कंफ्यूज टू टेक द प्लान जब तक माइंड सेट नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते पेपर प्लानिंग के थ्रू आपको प्लस माइनस पॉइंट्स पता चल जाएंगे आई विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पी टी ई एंड आयर्स सो बी कनेक्टेड विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव एंड यू विल गेट टू नो कि मुझे करना क्या है बेसिकली बोथ एग्जाम्स आर कंडक्टेड टू चेक द इंग्लिश प्रोफिशंसी ऑफ योर्स अब आपने ये देखना है कि कौन से कंट्री में जाना है वॉट इज द रिक्वायरमेंट वेर यू इंटेंड टू गो

आयल्स एग्जाम इज़ कंडक्टेड बाई ब्रिटिश काउंसिल IDP इसके एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए इसको सपोर्ट करता है इफ़ यू हैव अ प्लान टू गो न्यूजीलैंड यू एंड ऑस्ट्रेलिया सो यू कैन गो फॉर PTE. IELTS करके भी जा सकते हैं अब डिपेंड करेगा वट इज़ द रिक्वायरमेंट इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो IELTS इज़ डिमांडेबल कोर्स तो बहुत सारे लोग IELTS करके जाते हैं इसको हमें छोटी सी एग्जाम्पल में समझाता हूँ एक स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है और दूसरा स्टूडेंट मास्टर्स किया हुआ है तो ऑब्वियसली वॉट इज द कॉमन सेंस सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिलेंगी सबसे ज़्यादा मौाक़ किसको मिलेंगे ऑब्वियसली मास्टर्स करने वाले को इसी तरीके से समझें कि अगर आपने पी टी ई किया और आप चले गए ऑस्ट्रेलिया यूके या न्यूजीलैंड में वहाँ आपकी सेटिंग नहीं बन पाई अगर वहाँ से आपको स्विच करना है किसी और कंट्री में और वहाँ रिक्वायर्ड हुआ आयल्स जैसे कि आयल्स बहुत सारी कंट्रीज़ में रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे फिर आपको पी टी ई करके फिर आपको आयल्स की तरफ दोबारा आना पड़ेगा तो क्यों ना हम माइंड सेट के साथ चलें प्लानिंग करके चलें तो प्लानिंग में क्या है आयल्स करके जाएं तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी पी टोटली जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है आयल्स के अंदर आपके पास चॉइस है कंप्यूटर बेस भी कर सकते हैं और पेपर बेस भी कर सकते हैं अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं पी टी आवर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आयल्स की रजिस्ट्रेशन आप 15 डेज के अंदर अंदर करवा सकते हैं अगर बहुत इमरजेंसी है और पीटीई करना चाह रहे हैं 24 फोर आवर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एडिशनल 25 परसेंट पे करना पड़ेगा अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा पीटीई के अंदर जो है वो 48 एट आवर्स या फाइव डेज़ के अंदर अंदर भी आ सकता है और आइल्स की बात करते हैं तो आइल्ट में कम अज कम आपको फिफ्टीन डेज़ का वेट करना होता है अपने रिज़ल्ट के लिए पी टी ई एग्जाम इज़ बेस्ड ऑन वन टेस्ट सेशन होता है कंसिस्ट ऑफ थ्री आवर्स थ्री आवर्स के अंदर आपको चारों पेपर देने हैं दो पेपर एक साथ होंगे जिसमें राइटिंग और स्पीकिंग टुगेदर टेन मिनट्स का गैप है उसके बाद आपका आ गया रीडिंग और लिसनिंग उसके बाद आर्ट्स की अगर बात करते हैं तो आर्ट्स में देर आर टू टेस्ट सेशंस जिसमें वन डे फॉर स्पीकिंग और सेकेंड डे फॉर थ्री पेपर्स टुगेदर जिसमें लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग पीटीई के रिज़ल्ट के लिए हमें प्रिंटेड फॉर्म की जरूरत नहीं होती ऑस्ट्रेलियन कंपनी उसको लॉग इन करती है और पासवर्ड ओनली रिक्वायर्ड वो उसी के थ्रू जो है वो आपके सारे रिजल्ट्स की ले लेती है अगर हम आइल्स की बात करते हैं तो आइल्स के अंदर आपको प्रिंटेड फॉर्म की रिक्वायर्ड होती है जो आपका रिजल्ट है वो प्रिंटेड फॉर्म में जो वीज़ा एम को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल ऑल माई स्टूडेंट्स टू गो फॉर आयल्स सो दैट यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज as we have been conducting the classes of ielts Academic and journal both. We have online and physical. Both classes are available. Choice is yours. Which one would you like to do? See you till the next video. Allah Hafiz